नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस स्टॉक को लेकर काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या भाई इस शेयर में निवेश किया जा सकता है, क्या खरीद के डाल दें। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, कंपनी के लिए मैं कोई खबर ढूंढने गया, मेरे को कुछ खास कोई न्यूज़ नहीं मिली। कंपनी के लिए कोई इवेंट ढूंढा, उसमें कोई खास बड़ा इवेंट नहीं है। एक 19 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज से, दोनों के रिगार्डिंग इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपडेट ये है कि मैंने आप सभी के साथ, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अराउंड 21 अगस्त 2023, डीमर्ज होके जियो रिलायंस से जियो फाइनेंस का शेयर बाजार में उतरा था, तो हम सभी ने देखा जिसके पास भी रिलायंस का शेयर था उसके पास जियो फाइनेंस का पहुंचा। और रिलायंस का शेयर हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम पे मैक्सिमम है, तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास ऑटोमेटिकली जियो फाइनेंस का शेयर आया। आपके पास ऑटोमेटिकली शेयर आ गया, ठीक है। अब जब आने के बाद आप चाहो तो बेच सकते हो, लेकिन इसके विपरीत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्या करा, जब 260 रुपए पे स्टॉक लिस्ट हुआ और गिरकर 200 रुपए करीब आया, तो डेटा आया था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने एक्यूमुलेट किया ऐसे और खरीदा है, और ऐसा नहीं है चल गया शेयर तब मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये सारी चीजें मैंने उस समय आप सभी के साथ कहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तीन बड़े फंड हाउसेस ने इसमें एडिशनल बाइंग करी है, और सेम पैरामीटर्स बताए थे मैंने कि मान के चलो आपके पास कंपनी ए है, आपने उसमें निवेश किया है, उसने अपने कारोबार को डीमर्ज करा, दूसरी कंपनी भी आपके पास आ गई, लेकिन आपको लगेगा नहीं मैं तो इसको बुक करके उसमें जा रहा हूं, तो आप बुक करोगे, लेकिन आप उसमें और पैसा लगा रहे हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो उस समय म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो थी, कंपनी जो थी, उन्होंने और ज्यादा खरीदा जियो फाइनेंस के स्टॉक को, ये कॉन्फिडेंस दिखाती है। और यही मेरा मानना था, 220-15 पे स्टॉक में खोने के लिए कुछ मेरे को दिखता नहीं है। रिलायंस का शेयर खुद 2800 रुपए का था जब डीमर्ज हुआ, और डीमर्ज होने के बाद रिलायंस का शेयर खुद 2200 रुपए आया, तो जब मेन एंटिटी ही नीचे गिर गई और उसी का 6% इक्विटी जियो फाइनेंस था, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होनी ही होनी थी। तो मैंने कहा कि गिर गया कोई बड़ी बात नहीं, आप डेफिनेटली इसमें निवेश करो। कंपनी जब बाजार में लिस्ट हुई थी तो NBFC के रूप में लिस्ट हुई, और लिस्ट होते ही भारत की 33वीं 31वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, यानी कि इवेंचुअली निफ्टी का हिस्सा बनना ये भी तय था। ये सारी चीजें मैंने उस समय भी कही थी, लेकिन थोड़े समय बाद कंपनी ने कहा कि हम NBFC नहीं, CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेंगे, जिसके बाद मैंने थोड़ा व्यू चेंज किया। मैंने कहा यार ये तो अपने कारोबार को ही बदल रहे हैं, तो अभी मेरे को लगता है कि ये कोर इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को उतना कुछ खास नहीं मिलता है, तो मैं अब इसमें अपना व्यू थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं। अगर आपके पास है बैठे रहो, फ्रेश एंट्री के लिए मैंने मना करी थी, 260-261 रुपए का भाव था उस समय, अब ये स्टॉक 350 हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या करें। देखिए पहली बात तो इस कंपनी ने लाइसेंस लिया था CIC बिजनेस के लिए, जो कि मिल चुका है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। दैट मींस अब ये जो जियो फाइनेंस है ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी के ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप निवेश की सोच रहे हो तो मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि इस भाव पे नहीं लेना है लॉन्ग टर्म पर्पज से। देखिए जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियस है, अराउंड 2-5 ईयर्स की बात मिनिमम कर रहे हैं हम। अगर उस साल मान के चलो मैं 350 पे आज ले लूं और कल को स्टॉक 380 हो जाए, तो आप मेरे को ट्रोल कर सकते हो कि भाई आपने कहा लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं, ये तो बढ़ गया। लेकिन इवेंचुअली अगर मैं यहां से 2 साल की बात कर रहा हूं तो 2 साल में फिर मेरे को पता चलेगा हकीकत है क्या। शॉर्ट टर्म में चल गया, मोमेंटम में चल गया, लेकिन फिर वापस से नीचे आ जाएगा वो। 2 साल में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है वो मेरे लिए मैटर है ना। 344 आज है, 2 साल बाद स्टॉक कहां पहुंच रहा है वो मेरे लिए मैटर कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से ये भाव सही नहीं है, ये मैंने आपसे कहा था, कह रहा हूं अभी के लिए। भाव लॉन्ग टर्म पर्पज से कौन सा सही होगा, 300 रुपए के करीब का। अब आता हूं मैं ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म। तो ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म पर्पज से सुपर डुपर हिट लग रहा है इस समय। कैसे लग रहा है वो समझिए। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, 308 रुपीज से वन साइड रैली आई 360, बाजार में गिरावट में 330 आया, दोबारा ऊपर गया 350-355, फिर नीचे आया 338-340, और अभी दोबारा 344 पे है। आप डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाओ, 330 का स्टॉप लॉस लगाओ, और ऊपर में आपको 380-390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास है 380-390 का वेट करो, 330 का स्ट्रिक्ट SL लगाओ। लॉन्ग टर्म का विजन है तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप ले रहे हो तो ट्रेल करते चले जाना, यानी कि वापस घूमे तो आप निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके, ये सबसे पहली बात है। अब मैं आ जाता हूं एक जो डेटा निकल के आ रहा है उसके बारे में कि क्या डेटा निकल के आ रहा है। तो 19 मार्च 2024 को एक खबर आई, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है जियो फाइनेंस की,
इसमें कंपनी ने 4 करोड़ शेयर्स इक्विटी शेयर्स कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करे हैं 10 के भाव पे, जो कि होता है 40 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन एक दिख रही है, बाकी कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये BSE के ऊपर अपलोडेड डेटा है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। इसी तरीके के 12 मार्च, 8 फरवरी और भी डेटा है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी के लिए मेरी तरफ से जो सिंपल और क्रिस्टल क्लियर राय ये है कि आपको एज अ इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंस अच्छी कंपनी है, लेकिन ये भाव सही नहीं है। और एज अ ट्रेडिंग पर्पस आप BTST या फिर पोजिशनल काम करते हैं तो फिर आपके लिए टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वहां पे आप प्राइस मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।